मौसम में अत्यधिक बदलाव यानी उतार चढ़ाव आना, जो कि कृषि मूल्य में कमी और खेती में आ रही चुनौतियों के कारण आज का युवा खेती को लाभ का व्यवसाय न मानकर शहरों की ओर पलायन कर रहा है। इनसे चुनौतियों का डटकर सामना कर रहे हैं हरियाणा के सोनीपत जिले के मनोली गांव के दिनेश कुमार। स्ट्रॉबेरी, मक्का और सब्जियों के खुले में खेती से मेहनत के अनुरूप लाभ न मिलने से नाखुश दिनेश कुमार ने कृषि विज्ञान केंद्र सोनीपत अथवा भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान से संपर्क कर प्राकृतिक हवादार पॉली हाउस द्वारा सब्जियों की खेती की जानकारी यानी प्रशिक्षण प्राप्त किया। 2 एकड़ क्षेत्र में प्राकृतिक हवादार पॉली हाउस का निर्माण कर उसमें टमाटर और विदेशी प्रजाति की रंगीन शिमला मिर्च की खेती शुरू की। हमने टेक्निक सीखने के लिए अपनी जितने भी केवीके हैं, आईसीएआर है या पूसा, हमने उनके वैज्ञानिकों से संपर्क करके घूम के ये सब चीज़ें सीखनी शुरू की और सीखते सीखते आज हम 6 साल हमें पॉली हाउस की खेती करते हुए हो गए। और आप मेरे खेत में अभी देख भी रहे हैं कि मेरी फसल इस समय चली हुई है और कैसी क्रॉप मेरी खड़ी है और मैं बहुत अच्छी इनकम अपने पॉली हाउस से कर लेता हूँ। दिनेश कुमार द्वारा एक पौधे से 3 से 4 किलो का उत्पादन लिया जा रहा है। आज इस अग्रणी उद्यमी द्वारा इस संरक्षित खेती से सालाना 15 से 20 लाख रुपए की आमदनी ली जा रही है। दिनेश कुमार द्वारा अपने और आसपास के गांवों के युवक युवतियों को भी इस तरह के उद्यम लगाने के लिए प्रेरित करते रहते हैं। जब टेक्नोलॉजी से टेक्निकल खेती करेंगे और प्रोटेक्टिव खेती करेंगे तो मैं कहता हूँ कि 100% आपकी इनकम काफ़ी बढ़ने वाली है, 20-30 गुना बढ़ने वाली है, जो आप सोच भी नहीं सकते। और जो दिक्कतें इसमें आती हैं इस काम करने में, उसमें आप अपने वैज्ञानिकों की उनकी सहायता लीजिए ताकि आप इस खेती को बड़े अच्छे से कर पाएँ और अपनी इनकम को बहुत बढ़ा सकें।